अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये जो प्रोसीजर है वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन, आप पहले इस वीडियो को देखें और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमारा जो भी जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं। हम अल्ट्रासाउंड के अंदर वेसल्स को पंक्चर करते हैं, देखते हैं कि कौन सी वेसल जहाँ से हमने अंदर जाना है, और वहाँ पे सबसे पहले हम उस वेसल्स को देखते हैं उसका कैसा है, और उसके बाद सबसे पहले जो है हम उसमें एक एनेस्थीसिया देते हैं, यानी एक सुन करते हैं वहाँ पर स्किन के ऊपर, और सुन करने के बाद हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर एक वेन को पंक्चर करते हैं, और वेन को पंक्चर करने के बाद वो हल्का सा छोटा सुराख करके और एक नीडल के ज़रिए उसको हम पंक्चर करते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि इस पंक्चर करते हैं कितनी पतली सी नीडल है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी नीडल है। पंक्चर करेंगे और उसको हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। अल्ट्रासाउंड में आप जो है वो नज़र आ रही होती है आपकी नीडल कहाँ होती है और खून की नाली कहाँ होती है। पंक्चर करने के बाद इसमें देखें हम अल्ट्रासाउंड में उस नीडल के ज़रिए हम वेन को पंक्चर कर रहे हैं। हमने वेन को पंक्चर किया, पंक्चर करने के बाद उसमें हम एक तार डालते हैं, ठीक है ना, एक तार जो है वायर होती है, वायर डाल के, और उसके बाद जब वायर आराम से चली जाती है तो फिर एक हम शीट डाल देते हैं उसके अंदर। शीट डालने का मकसद ये होता है कि हमारा जो है ये हमारा एक एक्सेस होता है, इसके ज़रिए हम एक कैथेटर हमने डालते हैं, और कैथेटर जब डालते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम जहाँ भी जाना होता है, जो आपकी जो इंटरनल स्पेमेटिक वेन, जो आपकी जो वेरिकोज वेन जो होती है, उसमें हमने अपने कैथेटर को मूव करना होता है। आप देखें अभी हम शीट डाल लें, और ये तकरीबन इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं इस शीट के डालने के प्रोसेस के अंदर। एक दफ़ा जब आपकी शीट चली जाती है तो आपका जो एक्सेस होता है वो सिक्योर हो जाता है। आप ये देखें इस सीन में क्या हम उसमें एक ये पतली सी ट्यूब है और उसमें एक वायर के ज़रिए आप हमें जब एक्सेस करना है, हमें उस वेरिकोज वेन तक पहुंचना है वहाँ। यहाँ पे ये देखें हम इसके शीट के अंदर ये कैथेटर और वायर हम डाल रहे हैं, और आराम से बिल्कुल कोई वस्ता नहीं है, पेशेंट से हम बात भी कर रहे होते हैं, कोई बेहोशी नहीं होती। और आप इस पिक्चर में देखिए आपके हमारा कैथेटर और वायर जो है वहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। और हम जो वहाँ से यहाँ से हमारा वायर तार जो है हम जो है इंटरनल स्पेमेटिक वेन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद हम एक एंजियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि आप इस पिक्चर में देखिए इस पिक्चर के अंदर इस पेशेंट की 2 इंटरनल स्पेमेटिक वेन है। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों वेन को ब्लॉक करेंगे। इसीलिए इसका फ़ायदा ये होता है कि सर्जरी से इसके साथ ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपने हमें ये देखना है कितनी वेन्स हैं, किस लोकेशन पे हैं, कहाँ कहाँ जाना है हमने, हम हर वेन को ब्लॉक करते हैं। इस वीडियो में देखें आप कि हमने अब तमाम वेन्स पे हम कॉइल्स डाल लें, और हम पेशेंट से बात भी कर रहे हैं, पेशेंट को दिखा भी रहते हैं कि पेशेंट क्या हो रहा है, और आहिस्ते आहिस्ते वो कॉइल्स होती हैं वो तमाम ब्लॉक्स वेन्स को ब्लॉक कर रही होती हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये कॉइल जो है आराम से उसको डिप्लॉयड कर रहे हैं इसके अंदर वेरिकोसील वेन के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता तमाम वेन्स जो है वो ब्लॉक हो रही हैं कॉइलिंग के ज़रिए। देखिए ऊपर से एक कॉइल आया और कॉइल जो है हम आहिस्ता इसको डिप्लॉयड कर रहे हैं। ये देखें इसे डिप्लॉयड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इसको प्लेस किया जा रहा है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है। और अब इस पिक्चर में देखिए हमने सारे के सारे कॉइल जो हैं उस वेन में डाल के उसको वेन को पूरा के पूरा ब्लॉक कर दिया है। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। ये देखें कितने आराम से ये कॉइल जो रही है इसको ब्लॉक हो रही है यहाँ पे। पांच कॉइल, 7 कॉइल, डिपेंड करता है कि आपने कितनी वेन्स हैं, किस किस वेन में जाना है आपने। एंजियोग्राफी का यही फ़ायदा होता है कि आपको कम से कम ये पता होता है कि आपने कितनी वेन्स को ब्लॉक करनी है। सर्जरी के अंदर आपको पता नहीं होता कि कितनी वेन्स को, बाज़ात एक वेन को ब्लॉक करते हैं, एक वेन को काटते हैं, दूसरी वेन छोड़ देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है
एम्बोलाइजेशन के अंदर। आप इस पिक्चर में देखिए, हमने सारी के सारी वेंस में कॉइल दिए ऊपर से लेकर नीचे तक, और अब देखिए हमने वो कैथेटर निकाल दिया और इसको हमने बंद किया। ये प्रोसीजर देखा, ये प्रोसीजर हमने 45 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म किया। वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन किया, इसमें कोई सर्जरी नहीं थी, कोई बेहोशी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं था। आधे घंटे के बाद पेशेंट को ने रवाना कर दिया और पेशेंट जो है वो उसको हम फॉलो पे बुलाएंगे। तो आजकल के ज़माने में वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन जो है बग़ैर सर्जरी की हो सकता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बगैर ये सारी प्रोसीजर हैं आजकल के दौर के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है। IRCC पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता एक साल से वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। आप हमारी सोशल बॉक्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे दो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो लोगों को 24 आवर्स वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन के बारे में बताते हैं। प्रोसीजर कॉस्ट जो है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपने ये देखना है कि कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसीजर होना चाहिए, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के प्रोसीजर हो और पेशेंट बगैर हॉस्पिटल एडमिशन के, बगैर बेहोशी के और हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं। शुक्रिया।